स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में पालिका अध्यक्ष ने जर्जर बिल्डिंगों के आसपास की साफ सफाई, सितारगंज शहर में नशे का सेवन करने वाले लोगों का शाना बंद, पड़ी पुरानी कॉलेज बिल्डिंग और उसके आसपास पड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां हैं, जिसका फायदा उठाकर सारे दिन नशे का सेवन इन्हीं बंद पड़ी पुरानी बिल्डिंग और झाड़ियों को अपने नशे का अड्डा बना रखा है। ऐसे लोगों से परेशान होकर कुछ कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे से शिकायत की, जिस पर आज सुबह नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मलिक पालिका कर्मचारियों के साथ जेसीबी मशीन ले जाकर शहर में बंद पड़े कॉलेज पुरानी बिल्डिंग है जहां काफी बड़ी बड़ी घास हो गई थी और उसको जेसीबी मशीन द्वारा साफ किया गया। चेयरमैन हरीश दुबे ने कहा, नशे का सेवन करने वाले लोग अपनी हरकत छोड़ दे, नहीं तो उनके और भी बुरे दिन आने वाले हैं। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। यहाँ भी झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पर जो स्मैक पीने वाले लोग हैं वो उन झाड़ियों का लाभ उठाते हैं और उसमें बैठकर स्मैक पीते हैं, तथा उसके आसपास जो बिल्डिंगें हैं, ऐसी टीचर्स कॉलोनी में मुझे शिकायत आ रही थी कि वहाँ बिल्डिंगों के पाइप खिड़की लोहे का जितना भी सामान बिल्डिंग में लगा हुआ है, सरिया, उसको तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं और उसे बेचकर स्मैक पी रहे हैं। आज मैंने जो है सुबह ही अपनी जेसीबी ले जाकर सारी झाड़ियाँ साफ कराई और ये लगातार चलेगा, जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं वहाँ साफ कराई जाएंगी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इस प्रकार के स्मैक पीने वाले लोग हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो तत्काल इस तरीके की हरकत छोड़ दें, अन्यथा उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं।